हाय गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मसर की दाल। सबसे पहले आपने हाफ के जी मसर लेने हैं। इसको वॉश करके आप इसको हांडी में डालें। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कुकर में ये बहुत जल्दी गल जाती है। आप एक लार्ज साइज़ का प्याज लें और इसको इसके अंदर डाल दें, और 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज आप उसको भी इसमें डाल दें। इसके बाद आप इसमें अपने मसाले डालें। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सॉल्ट और 1.5 टीस्पून रेड चिली। अब आप इसमें 7 से 8 ग्लास पानी के डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको बंद कर दें और आपने अब इसका वेट करना है। जब इसका प्रेशर बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आपने इसको 15 मिनट्स के लिए पकाना है। अब यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आपने इसको और ज़्यादा पतला करना है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। इसके अंदर 1 कप दूध का डालना है और आप इसके अंदर दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको 5 मिनट के लिए और पकाएं ताकि दूध और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम दाल को तड़का देंगे। उसके लिए आप 1/2 कप तेल या घी लें। इसको फ्राई पैन में गरम कर लें और इसके अंदर आप अपने लहसुन डाल दें। इसके साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें और ये आपकी हरी मिर्चें 5 to 6 हरी मिर्चें डाल दें, और साथ ही अदरक भी इसमें आप डाल दें, और साथ ही थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड कर लें। अब आप इन सबको हल्का गोल्डन कर लें। अब यहाँ पर आपका तड़का तैयार हो चुका है। इसको आप अपनी दाल के अंदर मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह हिला लें। अब दाल को एक डिश में निकाल लें और इसके ऊपर थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल दें। साथ ही इसके ऊपर हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक स्प्रिंकल कर लें। आपकी मज़ेदार मसूर की दाल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसे लगी।